गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनसीएफ 2005 एंड जेंडर इश्यूज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में लैंगिक मुद्दों के बारे में क्या कहा गया है, तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड जेंडर इश्यूज। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और लैंगिक मुद्दे यानी लिंग से संबंधित मुद्दों के बारे में इस अधिनियम में क्या कहा गया है। तो ये सेमेस्टर 4 का पेपर 6 का यूनिट 3 है और हम फैकल्टी ऑफ एजुकेशन करीम सिटी कॉलेज से मैं परवीन उस्मानी आपके सामने ये लेसन प्रेजेंट करने जा रही हूँ। पॉलिसी प्रोविजंस इन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रिगार्डिंग जेंडर इश्यूज। लैंगिक मुद्दों के बारे में राइट टू एजुकेशन एक्ट में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट नॉट ओनली टू द इंडिविजुअल बट ऑल्सो टू द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। शिक्षा ना केवल सरकार की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए बल्कि व्यक्ति के लिए भी मौलिक आवश्यकता है। एक व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक आवश्यकता है बल्कि ये हमारे प्रजातांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाने के लिए भी एक मौलिक आवश्यकता है। RTE is to give everyone chance to learn and benefit from basic education as a right। शिक्षा का अधिकार अधिनियम हर किसी को ये मौका देता है कि वो मूलभूत शिक्षा के अधिकार से फ़ायदा उठा सके, यानी हर किसी को शिक्षा प्राप्त हो, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए ये हर किसी को अधिकार देता है। इन आर्टिकल 21A 2002 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर वॉज अ प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल अप टू द एज फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की धारा 21A 2002 में किया गया था। तो इट बिकेम फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड व्हेन द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010। जब ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, तो ये उनका मौलिक अधिकार बन गया। संविधान के तहत ये एक मौलिक अधिकार है कि हर बच्चे को निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हासिल हो। यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये संविधान की 45वीं धारा के अनुसार ही, उसको बहुत पहले ही 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा देने का संविधान में ये प्रावधान किया गया था। संविधान की 45वीं धारा के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा हासिल हो, इसका प्रावधान 45वीं धारा में ही किया गया था। अब आते हैं कि ये बिल कब बना और कैसे लागू हुआ। तो द बिल ऑफ RTE वॉज अप्रूव बाय द कैबिनेट ऑन 30 अक्टूबर 2008। 30 अक्टूबर 2008 को ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बिल यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसको 30 अक्टूबर को ये कैबिनेट से मंजूरी इसको मिली, मान्यता मिली, और राज्यसभा ने इसको 20 जुलाई को पारित किया और पास किया, और लोकसभा ने इसको 4 अगस्त को पास किया। राज्यसभा पास्ड इट ऑन 20th July 2009 एंड ओ लोकसभा पास्ड इट ऑन 4th August 2009 एंड द बिल
received the notification as a law on 26 August 2009 after the approval of President of India. और हमारे राष्ट्रपति की अनुमति से इसको 26 अगस्त 2009 को कानून के रूप में पारित किया गया, कानून के तौर पर इस ये सामने आया. तो known as the Right of Child to Free and Compulsory Education Act 2009, बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के रूप में इसको जाना गया. एंड केम इट केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2010, जो कि 1 अप्रैल 2010 से जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ. तो ये सार्वजनिक निःशुल्क शिक्षा की दिशा में शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये बच्चों, सभी बच्चों की अनिवार्य और सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार इसने बना लिया. सभी बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को इसने मौलिक अधिकार बना दिया, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा. और मानव संसाधन विकास मंत्री श्री कपिल सिब्बल जो उस समय में मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने इसे नए युग का कहा. और पार्लियामेंट में 21वीं शताब्दी के बच्चों के भविष्य के लिए इसे मुख्य चुनौती बताया. तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज ब्रॉट इन टू फोर्स बाय द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये पहला कानून था संविधान का जिसको प्रधानमंत्री के भाषण के द्वारा पारित लागू किया गया. प्रधानमंत्री के भाषण से इसको लागू किया गया. और उन्होंने अपने भाषण में कहा है दैट मनमोहन सिंह स्टेटेड वी आर कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट ऑल चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड सोशल कैटेगरी हैव एक्सेस टू और एजुकेशन an education that enables them to acquire the skill, knowledge, values and attitudes necessary to become responsible and active citizen of India. तो इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि हर बच्चे को बिना किसी लिंग भेद, सामाजिक भेद के शिक्षा तक पहुंच होगी, यानी हर बच्चे की शिक्षा तक पहुंच होगी बिना किसी भेदभाव किए हुए. किसी तरह का लिंग भेद उनके साथ नहीं होगा, सामाजिक भेद नहीं होगा, वो अमीर हैं, गरीब हैं या किसी भी जाति के हैं, उनको इस तरह के भेदभाव के कारण शिक्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा. और वो शिक्षा जो उन्हें कौशल सीखने के लायक बनाएगी, ऐसी शिक्षा मिलेगी उनको जो उन्हें कौशल सिखाएगी, कौशल सीखने के लायक बनेगी, कुछ करने के लायक बनाएगी, उन्हें ज्ञान देगी, मूल्यों का विकास करेगी और साथ ही साथ उनमें उचित दृष्टिकोण का विकास करेगी, सही दृष्टिकोण देगी, जिससे वो भारत के एक जिम्मेदार और क्रियाशील नागरिक बनेंगे. यानी उनमें सोचने का सही ढंग आएगा, वो सही तरीके से सोच सकेंगे, हमारे जो मूल्य हैं, वैल्यूज़ हैं हमारे भारत के संस्कृति के, वो उनके अंदर आएंगे, अच्छी आदतें होंगी, साथ ही साथ उनमें काम करने का एक सही तरीका आएगा और वो ज्ञान हासिल करेंगे. तो ड्यूटीज़ ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ यानी सरकार की जिम्मेदारियाँ, सरकार की क्या जिम्मेदारियाँ बताई गई हैं इस एक्ट में. एज़ पर सेक्शन 8 द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall provide free and compulsory elementary education to every child. इसका जो आठवां भाग है, सेक्शन 8 है, उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी. यानी ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी सरकार की कि वो सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएगी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा. द टर्म कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू
ये जो टर्म है कंपलसरी एजुकेशन, ये जो शब्द है अनिवार्य शिक्षा, इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट या सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी, उसके क्या कर्तव्य होंगे, सरकार के कर्तव्य होंगे। कंपलसरी एजुकेशन का मतलब है कि सरकार के ये जो नीचे दिए हुए हैं ये सारे कर्तव्य होंगे, सरकार के इस एक्ट में कहा गया कि सरकार ये सारे काम करेगी, ये करना उसकी जिम्मेदारी होगी। सबसे पहला है प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल की आयु वर्ग के सभी बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। दूसरा है इंश्योर कंपलसरी एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाय एवरी चाइल्ड, हर बच्चे के द्वारा स्कूल में एडमिशन लेना, उसकी उपस्थिति बने रखना और उसकी प्राथमिक शिक्षा को पूरा करना, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट है इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ अ नेबरहुड स्कूल। नेबरहुड मतलब अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, तो उनके आस पड़ोस या मोहल्ले में स्कूल उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी, ये स्कूल उपलब्ध कराना उनको सुनिश्चित करना होगा। इंश्योर दैट चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन एंड द चाइल्ड बिलोंगिंग टू द डिसएडवांटेज ग्रुप आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम परसुइंग एंड कम्प्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन ऑन एनी ग्राउंड। तो कमज़ोर वर्ग के छात्र या बालक, कमज़ोर वर्ग के बालक या सुविधा विहीन वर्ग के बालक, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें किसी आधार पर शिक्षा हासिल करने से, प्राथमिक शिक्षा हासिल करने से रोका जाएगा। यानी ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी आधार पर, चाहे वो कमज़ोर वर्ग के हों चाहे वो सुविधा विहीन वर्ग के हैं, उनको किसी भी तरह से शिक्षा हासिल करने से रोका नहीं जाएगा और उन्हें किसी भी आधार पर प्राथमिक शिक्षा लेने से दूर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्कूल बिल्डिंग, टीचिंग स्टाफ, लर्निंग इक्विपमेंट एंड लर्निंग इक्विपमेंट। इसके साथ ही साथ सरकार उनको संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जैसे कि विद्यालय भवन, शिक्षक वर्ग और अधिगम सामग्री या अधिगम उपकरण। अधिगम उपकरण से मतलब है लैब, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी और जो भी ज़रूरी साज सामान है कक्षा में जो चाहिए होता है पढ़ाने के लिए, वो सब उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके साथ ही साथ प्रोवाइडिंग स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर हाँ, ये लास्ट है इंश्योर गुड क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन, अच्छी गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उनको देना, इसको भी सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी होगी। यानी उनको अच्छी प्राथमिक शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। इंश्योर टाइमली प्रिस्क्राइबिंग ऑफ करिकुलम एंड कोर्सेज ऑफ स्टडी फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, साथ ही साथ समय पर उनको पाठ्यक्रम और उनके पाठ्य वस्तु उनको उपलब्ध कराना प्राथमिक शिक्षा के लिए, ताकि वो शिक्षा का कार्यक्रम सही ढंग से चला सकें, ये सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तु समय पर उन्हें उपलब्ध हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, थैंक यू।